दास्तानी करगिल को हुए 20 साल का वक्त गुजर चुका है। वो वीर गाथा हर किसी के जहन में आज भी ताजा है और उस जाबाजी किस्से आज भी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा सुनाए जाएंगे। लेकिन जब जब करगिल का जिक्र आएगा तो बोफोर्स की ताकत का भी जिक्र आएगा, क्योंकि इस बोफोर्स को ही गेम चेंजर कहा गया था करगिल युद्ध के दौरान। ये कहा जाता है कि टाइगर हिल पर जब बोफोर्स की तरफ से गोले बरसाए गए थे तो पाकिस्तानी घुसपैठी जो थे वहां से भाग खड़े हुए थे और उनके हौसले जो थे वो पस्त हो गए थे। बोफोर्स हमारे पीछे है, बोफोर्स की जानकारी रखने वाले हमारे साथ हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जनरल गुरमीत है, कैप्टन अमृत कौर है। सवाल जवाब भी हम करेंगे, लेकिन ये बोफोर्स जो है अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। जनरल गुरमीत, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप इस बोफोर्स के बारे में? मेजर मनीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बोफोर्स गन ने कारगिल युद्ध का एकदम काय ही बदल दिया। जो डायरेक्ट फायरिंग रोल में आपने एम्प्लॉय किया, एकदम उसने जो जीत दी है उसमें योगदान तोपचियों का था, आर्टीमैन का था। आपका क्या सोच विचार है इसके बारे में? आपने जो भी कहा मैं इससे पूर्ण तरीके से सहमत रखता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि बोफोर्स गन को गेम चेंजर कहा गया था, और ये गेम चेंजर इन्हें इनकी तकनीकी विशेषताओं की वजह से कहा गया था। मैं कुछ इसकी तकनीकी विशेषताएं आपको पहले बतलाना चाहूँगा, इसके बाद मैं बतलाऊँगा कि ये कैसे कारगिल की युद्ध में कारगर रहा। इसकी कुछ तकनीकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ये 30.9 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखता है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा रेयर है, इस रेयर एटमॉस्फेयर में इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है, जो कि तकरीबन 36.5 किलोमीटर हो जाती है। अब मैं आपको इसकी TNT कंटेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि तकरीबन 8 kg है। 8 kg TNT काफ़ी भारी मात्रा में बर्बादी मचा सकता है। इसके अलावा इसमें तकरीबन 5 तरीके के राउंड से फायर कर सकते हैं, जो कि HE हाई एक्सप्लोसिव, HEAR हाई एक्सप्लोसिव एक्सटेंडेड रेंज, IL स्मोक और कार्गो होता है। हाई एक्सप्लोसिव जैसा कि नाम बता रहा है, ये बर्बादी दुश्मन के बंकरों पे या फिर टारगेट एंड पे बर्बादी मचाने के काम आता है। इसी तरीके से IL दुश्मन के छुपी हुए इलाकों को प्रकाशित करता है और हमारी आगे डिप्लॉयड इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में मदद करता है। उसी तरीके से स्मोक एक कवर फायर का काम करता है, एक हमें कवर प्रोवाइड करता है ताकि हमारी इन्फेंट्री आगे बढ़ सके। और कार्गो जो कि माइंस बिछाता है जिस जगह पे वो गिरता है, तो दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकता है। अब कारगिल युद्ध में मैं आपको बोफोर्स की महत्वाकांक्षाएं बताता हूँ। देखिए, कारगिल युद्ध में तकरीबन 100 बोफोर्स गन टाइगर हिल पे फायर कर रही थी, और इसी फायर के वजह से टाइगर हिल पे डिप्लॉयड दुश्मन को भारी बर्बादी मिली पहुंची और उसका नक्शा ही बदल गया। खूब कहा आपने, पूरे भारतवर्ष को गर्व है हमारे सेना के ऊपर में, और जिस प्रकार से आपने काम किया गर्व है। कैप्टन अमृत सर, थैंक यू सर। मेजर मनीष, मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में कोई भी रेजिमेंट हो, कोई भी यूनिट हो, हर एक का एक मोटो होता है और जिसके ऊपर वो अपना एक तरह से विश्वास डाल के आगे बढ़ते हैं। RT का मोटो है सर्वत्र इज्जतो इकबाल। आप पहले तो मुझे इसका मतलब समझाइए और ये बताइए कि कारगिल युद्ध में इस मोटो को कैसे आपने जीवित रखा? हमारा मोटो सर्वत्र इज्जतो इकबाल, जैसा कि आप लोग खुद भी थोड़ा समझ पाएंगे, सर्वत्र इज्जतो इकबाल, इकबाल का मतलब ग्लोरी, एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। कारगिल युद्ध में बाकी अन्य युद्ध की तरह हमने फिर यह साबित किया कि RT अपने मोटो पे हमेशा खरी उतरती है। कारगिल युद्ध में जब इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी RT को मिली, जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर उनको सपोर्ट दिया और उनके इस तरीके से, इतने अचूक तरीके से दुश्मन को हमने बर्बाद किया ताकि उनका हौसला बढ़े और वो और हिम्मत से आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हमने जो अपना मोटो है उसको जस्टिफाई किया, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम अपने मोटो पे हमेशा खरे उतरेंगे। हम अपने मोटो पे हमेशा खरे उतरेंगे। शुभांकर, आपने सुना मेजर मनीष ने क्या समझाया हमें इस वक्त अपने मोटो के बारे में। ओवर टू यू।
टेक्निकल भाषा में तो चीजें आप समझ गए, लेकिन अगर आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो बोफोर्स की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर जब युद्ध हुआ तो ये बोफोर्स की ताकत थी जिसने टाइगर हिल को भी 18 मीटर छोटा कर दिया। एक लाइन में समापन कहे तो करगिल साल 1999 में जब ये युद्ध हुआ तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था, जिसके बारे में शोध जो है अलग अलग देश की सेनाएं करती हैं। लेकिन जब जब करगिल का जिक्र आएगा तब तब बोफोर्स का भी जिक्र आएगा, और करगिल के साथ बोफोर्स भी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में हमेशा ही दर्ज रहेगा। कैमरा पर्सन अजय और राजू के साथ शुभांकर मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत और कैप्टन अमृत कौर के साथ TV9 भारतवर्ष, करगिल।